हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। सीएस प्रीति सिंह सीएस क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन। और आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो है हमारा इंडियन यूनियन बजट। और इंडियन यूनियन बजट के मुद्दे पर जब हम बात करेंगे, तो इससे पहले सबसे पहले यानी कि हमें यह जानने की जरूरत है कि बजट होता क्या है, क्या जरूरत होती है हमें बजट बनाने की, ना बनाए तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या। और फिर उसी से कनेक्टेड हम एक टॉपिक पर चलेंगे, ओवरव्यू ऑफ इंडियन यूनियन बजट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये बजट क्या होगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर कहीं घूमने जाना है तो पेरेंट से पैसे लेने पड़ते हैं या नहीं लेने पड़ते। बच्चे कह रहे हैं हां सर अभी तो लेने पड़ते हैं, सीएस बनने के बाद देखा जाएगा। तो जब भी हम घूमने जा रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं अपने माइंड में एक एस्पेक्ट लेके चलते हैं कि कितना खर्चा हमारा हो सकता है, कितना एक्सपेंसेस हमारा हो सकता है, उतने ही पैसे डिमांड किए जाएं, या ऐसे ही मांग ले तो 2-4 करोड़ रुपए। बच्चे कह रहे नहीं सर इतना बड़ा अमाउंट कैसे मिलेगा, हम तो कुछ छोटे से क्वांटम में जितना रिक्वायर्ड अमाउंट होता है उसमें थोड़ा सा मार्जिन एड करके डिमांड कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक एस्पेक्ट चल रहा है कि अगर मैं बाहर जा रहा हूं, मुझे एक्सपेंस करना है, तो एक्सपेंस करने से पहले मैं एक आइडिया माइंड में जनरेट करता हूं और उसके अकॉर्डिंगली फंड अरेंज करता हूं। सेम वे बच्चों, एक फैमिली का भी बजट बनता है कि कंप्लीट ईयर के दौरान फैमिली की रिक्वायरमेंट्स पर, बच्चों की रिक्वायरमेंट्स पर, उनकी एजुकेशन पर, या किसी भी टाइप के खर्चे के लिए कितने फंड की रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो प्रायर बेसिस पर ही पहले एक बजट बना लिया जाता है। जब एक फैमिली का बजट बन सकता है, जब एक घूमने वाले बच्चे का जो सिर्फ घूमने जा रहा है वो अपना बजट बना सकता है, और तो और आप जब भी मार्केट से कोई सामान लेने के लिए निकलते हो तो भी माइंड में एक बजट लेकर निकलते हो कि मुझे कितना एक्सपेंस करना है, और उसके लिए आप घर से फंड लेकर के चलते हो। तो बजट सोसाइटी के हर एक सेगमेंट में अवेलेबल है, तो क्या हमारी गवर्नमेंट के बजट्स नहीं बनने चाहिए। गवर्नमेंट्स के पास भी तो बहुत सारा फंड आता है और गवर्नमेंट बहुत सारा फंड एक्सपेंस कर रहा होता है, तो गवर्नमेंट को भी टाइम टाइम पर फंड की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है, और उस पैसे की रिक्वायरमेंट को उन्हें पहले से प्रायर बेसिस पर एस्टीमेट कर लेना चाहिए कि कितना फंड हमारे पास आने वाला है और कितना फंड हम एक्सपेंस करने वाले हैं। या दूसरे शब्दों में कहें कि हमारी जो एक्सपेंस की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए हमको कितने फंड की रिक्वायरमेंट रहेगी। इन सारी बातों को, इन सारे एस्पेक्ट को अगर हम प्रायर बेसिस पर आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं वी आर टॉकिंग अबाउट या वी आर थिंकिंग अबाउट द बजट एस्पेक्ट। तो इन सारे बजट एस्पेक्ट, इन सारे बजट रिलेटेड टर्म्स पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इंडियन यूनियन बजट के कुछ ओवरव्यू के तौर पर बात कर लेते हैं और कहीं ना कहीं ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इंडियन यूनियन बजट का ओरिजिन कब से हुआ, कैसे हुआ, और इससे कनेक्टेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, आपके सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यह हमारे लिए जरूरी हो जाता है, और मैंने आपके लिए आपके सिलेबस को, आपके कंटेंट को कुछ इसी तरीके से आपके लिए प्रेजेंट कर रखा है। हर एक पॉइंट आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहां पर हमने मेंशन किया है कि बजट इज अ प्लान। बजट क्या है? एक प्लान है। मैंने आपसे क्या बोला था, घर से निकलते हुए अगर कोई सामान भी लेने जा रहे हो तो भी आपको प्लान करना पड़ता है, दैट मीन्स बजट आपका एक प्लान रहेगा। और जब मैं ऐसे प्लान की बात करूंगा तो ऐसे प्लान में हम क्या क्या एस्टीमेट कर लगा रहे होते हैं, क्या एस्टीमेशन हमारा चल रहा होता है, क्या हमारा माइंडसेट चल रहा होता है, तो हमने बात की बजट इज अ प्लान ऑफ हाउ टू स्पेंड एन अमाउंट। हाउ टू स्पेंड एन अमाउंट, यानी कि बजट भी एक अपने आप में प्लान है, और प्लानिंग छोटी छोटी बातों की हो सकती है, लेकिन यहां पर प्लानिंग किस बात की चल रही है कि एक अमाउंट को कैसे स्पेंड किया जाएगा। हाउ टू स्पेंड एन अमाउंट ऑफ मनी ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। बजट का भी एक टाइम होता है, हम कभी लाइफ टाइम बजट नहीं बना लेते, अपनी लाइफ टाइम में जितनी भी शॉपिंग होने वाली है सबका बजट नहीं बना लेते। गवर्नमेंट भी 50-50 साल का बजट एक बार में नहीं बना लेती, उनको भी एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए ही बजट बनाना होता है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम के लिए जो अगर हम बजट बनाने भी बैठे तो शायद हम उसे प्रॉपरली मैनेज नहीं कर सकते। तो हम एक टुकड़ों में, एक पर्टिकुलर टाइम में बजट्स को तोड़ लेते हैं कि हमने ये बजट बनाया तो कब के लिए बनाया। अगर हम घूमने जा रहे हैं तो सिर्फ उस
पर्टिकुलर टाइम के लिए बजट बनाएंगे। अगर हम अपना फैमिली बजट बना रहे हैं तो हो सकता है एक पर्टिकुलर ईयर या पर्टिकुलर मंथ के लिए बजट बनाएंगे। अगर गवर्नमेंट बजट बना रही है तो हो सकता है वो एक कंप्लीट ईयर के लिए ही बजट बनाएगी। यार बजट में करना क्या है? प्लान्स बनाने। किस बात के लिए प्लान्स बनाने? एक्सपेंडिचर के लिए प्लान बनाने। और ये एक्सपेंडिचर का जो प्लान बनेगा वो कब बनेगा? एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनेगा। मैंने आपसे बात करी कि हम गवर्नमेंट के बजट के बारे में बात कर रहे हैं और इसी को क्या बोला जाता है? इंडियन यूनियन बजट। तो द इंडियन यूनियन बजट इज ऑल्सो नोन एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एग्जामिनेशन का एक सिंगल मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन यूनियन बजट इज नोन एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मंथली पीएनएल अकाउंट, या हम कह सकते हैं एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चार ऑप्शन अगर उन्होंने दे दिए तो आप क्या टिक करोगे? इंडियन यूनियन बजट इज नोन एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ये आगे क्या लिख दिया आपने? आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, COI। बेटा COI का या फुल फॉर्म रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिफाइन किया गया है, इसके बारे में बताया गया। तो मैंने यहां पर रेफरेंस दिया है, सिर्फ परेशान होने वाली बात नहीं है। तो दो पॉइंट हमने निकाले कि सर बजट क्या है? एक प्लान है। और सर ये प्लान किस रेफरेंस में हो सकता है? कि सर एक्सपेंसेस के रेफरेंस में हो सकता है, कि हमने कैसे अमाउंट एक्सपेंस करनी है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। और आगे मैंने बात करी इंडियन यूनियन बजट को ही किस नाम से जाना जाता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। अगले पॉइंट पर आता हूं। अगेन मैंने आपसे क्या बोला, हर पॉइंट एक आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पर ड्राइव करके देगा, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा हमने बात किया इंडियन यूनियन बजट इज अ स्टेटमेंट। सर ये स्टेटमेंट क्या होता है? हमने टाइम टाइम पर 11th क्लास से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट या अकाउंट्स बनाते रहे। स्टेटमेंट की बात करें तो कुछ फैक्ट को प्रेजेंट जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू किया जाता है, दैट इज नोन एज स्टेटमेंट। और इंडियन यूनियन बजट भी एक स्टेटमेंट है, क्योंकि इसके थ्रू भी कुछ ना कुछ फैक्ट प्रेजेंट हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम बात करें तो वो फैक्ट किस रेफरेंस में होते हैं? प्लानिंग के रेफरेंस में होते हैं। और ये प्लानिंग किस रेफरेंस में चल रही होती है? एक्सपेंस के रेफरेंस में। तो इंडियन यूनियन बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीप्ट। सर क्या क्या होता है इसमें? एस्टिमेटेड रिसीप्ट होगा, और दूसरा एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। याद करो अभी मैंने आपसे क्या कहा था, जब जब हम बजट की बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या चल रहा होता है? कितना एक्सपेंस करना है और वो पैसा कहां से आएगा। मैंने आपसे कहा था आप घूमने जा रहे हो तो आपको अपने खर्चों का एस्टीमेशन करना पड़ता है, एक्सपेंसेस का एस्टीमेशन करना पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंगली सोचना पड़ता है कि हम पेरेंट्स से कितने पैसे लें। तो सेम वे यहां पर आगे इन्होंने एक्सप्लेन किया इंडियन यूनियन बजट इज अ स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट में क्या अवेलेबल होता है? एस्टीमेटेड रिसीप्ट, कितना हमको रिसीव होने वाला है, और इस एक्सपेंडिचर, यानी हम कितना एस्टीमेटेड एक्सपेंस करने वाले हैं और कितना एस्टीमेटेड हमको अमाउंट मिलने वाला है इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। और मैं जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि जब जब हम बजट की बात करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बजट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम पर यह जो बजट बनता है, अगर हम इंडियन यूनियन बजट के बारे में बात करते हैं तो यह 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के टाइम पीरियड के लिए बनता है। और इस टाइम पीरियड को एक यूनिक नाम दिया जाता है, एक स्पेशल नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल ईयर। मैंने आपसे क्या बात किया बेटा, मैं बजट के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, इसके एक एक पहलू पर आपसे बात कर रहा हूं। और अब तक हमने पहले पॉइंट में जो कुछ मुद्दे कुछ एग्जाम्पल लिए, तो सेकेंड और थर्ड पॉइंट भी हमको उन्हीं एग्जाम्पल से कनेक्टेड मैसेज दे रहे हैं कि सर ये इंडियन यूनियन बजट बनेगा, ये एक स्टेटमेंट के फॉर्म में बनेगा, और इसमें एस्टीमेटेड रिसीप्ट होंगे, एस्टीमेटेड एक्सपेंडिचर होंगे, और साथ ही साथ में ये एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बनेगा, जो फाइनेंशियल ईयर मोस्ट ऑफ द टाइम पर 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में आ सकता है कि बजट पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया। जब बजट के इंट्रोड्यूस करने की बात की जाए तो दैट मीन्स या उस डेट की बात की जाए तो ये 7 अप्रैल 1860। बेटा मैं 1960 नहीं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं? 1860 बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दो क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं कि बस बजट किसने पहले प्रेजेंट किया, तो ऑप्शन में क्या आ सकता है बेटा? ईस्ट इंडिया कंपनी। बजट पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुआ, तो ऑप्शन में क्या आएगा बेटा? 7 अप्रैल 1860। मैंने क्या बात किया बेटा,
बजट की बात करें तो बजट का इंट्रोडक्शन कब हुआ, 7 अप्रैल 1860 में, और ये किसके थ्रू इंट्रोडक्शन हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में पहली बार बजट लगाया। आप सभी जानते होंगे कि अंग्रेजों के टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया पर काफी टाइम तक शासन किया और उसी दौरान यह कंसेप्ट यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया। हालांकि ये कुछ फैक्ट्स हैं जहां तक हमको मिल पा रहे हैं और एग्जामिनेशन में हम इनको ही प्रेजेंट करेंगे, लेकिन मैं आपसे कुछ बैकग्राउंड में बात करता हूं। क्या इससे पहले इंडिया में किसी ने शासन नहीं किया होगा? क्या इंडिया में इससे पहले कोई राजा नहीं था? क्या रिसोर्स नहीं थे? क्या उनका एस्टीमेशन नहीं होता होगा? होता होगा और 100% होता होगा, पहले भी बजट बनते होंगे। बट पहले बजट्स की अगर हम बात करें दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, कि जो फैक्ट्स थे वो हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, और अभी जो हमारे पास जो करंट फैक्ट जो प्रेजेंट है जिन्हें बजट का नाम दिया गया, वो सारे फैक्ट की अगर हम बात करेंगे, उससे पहले हो सकता है किसी हिंदी नाम में उनको पुकारा जाता हो सकता है किसी डिफरेंट नाम से उन्हें जाना जाता हो, लेकिन एस्पेक्ट तो वही रहते होंगे ना। लेकिन जो बजट नाम से जो प्रेजेंट किया गया, फैक्ट जो प्रेजेंट किए गए, उसकी जो डेट अगर हमको मेंशन करने को आएगी तो हम पीछे हिस्ट्री पर नहीं जाएंगे, हम चैलेंज नहीं करेंगे नॉलेज को, हमको जो कंटेंट प्रोवाइड किया गया उसके अकॉर्डिंगली आंसर देंगे। जब आप सीएस बन जाओ, जब आप अच्छे प्रोफेशनल बन जाओ, तो इन सारे मुद्दों पर क्वेश्चन मार्क उठाने की कहीं ना कहीं आपके पास पावर आ जाएगी। लेकिन अभी तो हमारा जो पहला ऑब्जेक्ट है वो सीएस बनना है, तो अभी हम फैक्ट को चैलेंज नहीं करेंगे। अगर हम बजट की बात करें तो बजट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस ऑन 7 अप्रैल 1816 बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसके बाद अगर हम बात करेंगे द फर्स्ट इंडियन बजट प्रेजेंटेड बाय द जेम्स विल्सन। अगर पर्सन का नाम पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे, फर्स्ट इंडियन बजट किसने प्रेजेंट किया, जेम्स विल्सन ने, और वो कब प्रेजेंट किया था, फेब 18 1869। मैं आपसे बात कर रहा था बेटा कि जब जब हम बात करते हैं फर्स्ट इंडियन बजट, अगर मैं बात करूं फर्स्ट इंडियन बजट तो ये किसने प्रेजेंट किया, जेम्स विल्सन ने, ऑन फेब 18 1869। जब फर्स्ट इंडियन बजट को प्रेजेंट करने को लेकर के क्वेश्चन आएगा तो नाम किसको किसका लोगे, जेम्स विल्सन का, और डेट क्या रहेगी हमारी, फेब 18 1869। लेकिन अगर बजट की इंट्रोड्यूस करने की बात आएगी तो किसने इंट्रोड्यूस किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और बजट के इंट्रोडक्शन का डेट क्या था, 7 अप्रैल 1860। अगला जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, वर्ड यूज कर रहा हूं बेटा मैं, इंडिपेंडेंट इंडिया, वॉज प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। आप सभी जानते होंगे इंडिया में ईच एंड एवरी ईयर बजट सेशन आता है, बहुत सारे न्यूज पब्लिश होते हैं, न्यूज में बहुत सारी खबरें आती हैं उससे जुड़ी हुई। तो इंडिया में जो बजट प्रेजेंट करता है वो कौन होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है। तो इनका कहना है फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि इंडिपेंडेंट होने के बाद जो इंडिया का पहला बजट प्रेजेंट किया वो किसने प्रेजेंट किया, प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर आर के शानमुगम चेट्टी ऑन नवंबर 26, 1947। आप सभी जानते हैं हम 1947 में देश आजाद हुआ, और उसका जो फर्स्ट बजट प्रेजेंट किया था, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो मिस्टर आर के शानमुगम चेट्टी, डेट क्या रहेगी, नवंबर 26, 1947। तो एग्जामिनेशन के लिए अगेन ये पॉइंट अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं आपसे बोल के चल रहा हूं कि ये सारे के सारे पॉइंट जो मैंने आपके लिए फ्रेम कर रखे हैं ये पॉइंट वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा अगर हम बात करेंगे, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन बजट, तो बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम इस क्वेश्चन को बोल के चलेंगे। स्ट्रेट वे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन बजट, तो पीसी मेलानोबस इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन बजट। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जामिनेशन के लिए। अगले मुद्दे पर चलता हूं बेटा, टिल 1995 बजट वॉज ओनली प्रिंटेड इन इंग्लिश, बजट वॉज ओनली प्रिंटेड इन इंग्लिश लैंग्वेज। 1955 तक की बात करें हम,
इंडिया जो हमारा आजाद हुआ, देश जो हमारा आजाद हुआ 1947 में, और 1955 तक हम अपने बजट को इंग्लिश में ही प्रिंट करते रहे। लेकिन 1955 में हम जागे कि अब तो हम आजाद हो चुके हैं, और अब से नहीं 1947 से हम कहीं ना कहीं आजाद हो चुके हैं, तो हम अपना बजट कहीं ना कहीं इंग्लिश में भी प्रिंट करेंगे और इसके साथ साथ फिर हम हिंदी में भी प्रिंट करेंगे। तो हाउ एवर फ्रॉम 1955 टू 56 बजट स्टार्टेड गेटिंग प्रिंटेड इन बोथ लैंग्वेज, दैट मींस हिंदी एंड इंग्लिश, यानी बजट फिर हिंदी में भी पब्लिश होने लगा और इंग्लिश में भी। ये कब से? 1955 एंड 56। सर आप एक बात बता दो, ये 1955 और 56 दोनों क्यों लिख दिए आपने? मैंने आपसे क्या बोला बेटा, जब जब हमारा बजट प्रेजेंट होता है तो फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रेजेंट होता है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे जब हम बजट की स्टार्टिंग की बात कर रहे थे, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो अगर मैंने यहां पर बोला है, अगर मैंने यहां पर बोला है कि हमारा बजट 1955 से लेकर के 56, अगर मैंने वर्ड बोला है, तो इसका मतलब 1 अप्रैल 1955 से लेकर के 31 मार्च 1956 वाला, यानी फाइनेंशियल ईयर 55-56 का जो बजट जो प्रिंट हुआ वो किस में प्रिंट हुआ? दोनों लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज। इससे पहले के बजट हमारे कहीं ना कहीं इंग्लिश लैंग्वेज में प्रिंट होते रहे थे। आगे इन्होंने बोला इन ब्रिटिश एरा, मतलब हम ब्रिटिश, जब हम कहीं ना कहीं हमारा देश आजाद नहीं था, इंडिपेंडेंसी नहीं थी, उस दौरान हम बात कर रहे हैं, ब्रिटिश एरा की बात कर रहे हैं, ब्रिटिश शासन की बात कर रहे हैं। इन ब्रिटिश एरा द बजट यूज टू प्रेजेंटेड एट 5 PM। इनका कहना है बजट को जनरली शाम को 5 बजे प्रेजेंट किया जाता था। दिस प्रैक्टिस वॉज डिसकॉन्टिन्यूड, ये प्रैक्टिस क्या हुई? रुक गई, डिसकॉन्टिन्यू हो गई इन द ईयर 2001। बहुत टाइम लगा हमको इस प्रैक्टिस को डिसकॉन्टिन्यू करने में। बाय प्रेजेंटिंग द बजट एट 11 AM और 2001 से बदलाव आया, एक बड़ा बदलाव आया, छोटा मोटा नहीं। और हमने क्या बोला कि जो बजट शाम को 5 बजे प्रेजेंट हुआ करता था, अब हम उसको सुबह 11 बजे प्रेजेंट करने लगे। बात समझ पा रहे हो? तो ब्रिटिश एरा की बात करें तो बजट शाम को प्रेजेंट हुआ करता था, यह भी एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है। और आफ्टर द 2001 की बात करें तो यह प्रैक्टिस हमारी क्या हो गई? डिसकॉन्टिन्यूड हो गई और बजट को हम सुबह 11 बजे प्रेजेंट करने लगे, दैट मींस 11 AM बजट प्रेजेंट किए जाने लगा। एक और बदलाव की मैं बात करूंगा, अंटिल 2017 2017 तक बजट यूज टू प्रेजेंटेड ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द फेब। बजट यूजली फेब के लास्ट वर्किंग डे में प्रेजेंट हुआ करता था टिल 2017, बट नाउ इट इज प्रेजेंटेड ऑन द फर्स्ट, नाउ इट इज प्रेजेंटेड ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द फेब। लेकिन अब ये फेब के लास्ट वर्किंग डे की बजाय कब प्रेजेंट होता है? फेब के फर्स्ट वर्किंग डे में प्रेजेंट होता है। तो अगर एग्जामिनेशन क्वेश्चन बने कि प्रेजेंट टाइम पर जो बजट हमारा प्रेजेंट होता है वो फर्स्ट वर्किंग डे या लास्ट वर्किंग डे, तो आप क्या बोलोगे? फर्स्ट वर्किंग डे। और टिल 2017 की अगर बात की जाए तो आप क्या बोलोगे? बजट प्रेजेंट हुआ करता था, बजट यूज टू प्रेजेंटेड। जब जब हम बात करेंगे बजट यूज टू प्रेजेंटेड ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द फेब, ये कब तक रहा? 2017 तक। आगे मैं अगले मुद्दे की बात करूंगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। कहीं ना कहीं जब भी कोई गवर्नमेंट बनती है उसके फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर को, और कोई फाइनेंस मिनिस्टर 5 साल तक सरकार में बने रहता है तो उसको 5 बार बजट प्रेजेंट करने का चांस मिल जाता है। बट कुछ फाइनेंस मिनिस्टर ऐसे रहे जिन्हें बजट प्रेजेंट करने का कभी चांस नहीं मिला, मतलब अगर वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे भी होंगे तो लेस देन 1 ईयर रहे होंगे। यही एक रीजन रहा। तो मिस्टर केसी नियोगी NHN बहुगुना, दो फाइनेंस मिनिस्टर थे, बट ओनली द 2 फाइनेंस मिनिस्टर हु डिड नॉट प्रेजेंट एनी इंडियन बजट, और जिन्होंने कोई भी इंडियन बजट प्रेजेंट नहीं किया।
the record of presenting maximum number of budget is held by the Sri Morarji Desai for presenting the 10 budgets. और अगर हम budgets की बात करें तो record budget present करने का यानी कि जो budget present करने का record किसके पास बना हुआ है मोरारजी देसाई कितने budget present किए 10 budgets present किए बात समझ पा रहे हो बेटा सबसे ज्यादा budget किसने present किए श्री मोरारजी देसाई ने present किए और अगर हम बात करेंगे ऐसे कौन से दो फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने कभी कोई बजट प्रेजेंट नहीं किया तो केसी नियोगी एंड एचएन बहुगुणा आगे मैं आपसे बात करने वाला हूं रेलवे बजट के बारे में कुछ फैक्ट यहां पर रेलवे बजट को भी लेके चलेंगे तो रेलवे बजट वाज प्रेजेंटेड सेपरेटली फ्रॉम 1924 से अंग्रेजों के टाइम से रेलवे बजट जो इंडियन यूनियन बजट था उससे सेपरेटली प्रेजेंट होता था बट आफ्टर 92 ईयर के बाद एक बदलाव आया और 2017 से रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया इंडियन यूनियन बजट में तो रेलवे बजट इंडियन यूनियन बजट में कब से मर्ज हुआ ये ईयर हमारे लिए मैटर करती है 2017 से और रेलवे बजट कब से सेपरेटली प्रेजेंट करता था 1924 से और कितने ईयर तक रेलवे बजट को सेपरेटली कितने ईयर तक रेलवे बजट को सेपरेटली प्रेजेंट किया गया तो आप क्या बोलोगे 92 ईयर तो ये सारे मुद्दे जो हमने बात किए वो कहीं ना कहीं एक बजट ओवरव्यू के तौर पर यहां पर बात किए अभी हमने बजट क्या था थोड़ा सा बेसिक एस्पेक्ट डिस्कस किया था इस बजट से रिलेटेड डिफरेंट कंपोनेंट पर भी हम बात करेंगे बट इस ओवरव्यू से भी एग्जामिनेशन में हमारे लिए काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके एनालाइज करने का हमने यहां पर प्रयास किया है बात क्लियर अब मैं अगले मुद्दों की बात करूंगा की टर्म्स की बात करूंगा कि बजट से रिलेटेड कौन कौन से हमारे की टर्म्स रहेंगे